हाँ पवन जी से मेरी बात हुई थी, फोन पे भी 3-4 दिन हमारी बात हुई थी। पवन जी एक्चुअली मुझे समझा रहे थे कि हम अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं। तो ये पहला मौका है जब पवन सिंह ने इतने विवाद होने के बावजूद भी ज्योतिष सिंह के पास कॉल किया, और कॉल में क्या कुछ बोला पवन सिंह ने इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जिस तरीके से इस वक्त इंडस्ट्री में विवाद देखने को मिल रहा है, लेवल क्रॉस है। और खैर ज्योतिष सिंह ने भी मान लिया है कि जब चीजें हो रही है तो अच्छे से हो। अब जब इतनी गंदगी हो ही गई और चीजें हाईलाइट हो ही गई और चीजें मीडिया में आ ही गई, अब जो ज्योतिष सिंह के पास ऑप्शन ही नहीं। खैर इन चीजों को बाद में देखते हैं, लेकिन पवन सिंह और ज्योतिष सिंह के बीच में बात हुआ वे किसी के पास नहीं है। ज्योतिष सिंह ने खुद माना है और एक्सेप्ट किया है कि पवन सिंह ने क्या कुछ ज्योतिष सिंह को बोला। तो थोड़ा सा कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। पवन जी एक्चुअली मुझे समझा रहे थे कि हमारा पहला तो वो यही है कि हम अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं, और ज्योतिष सिंह पे बात लगी गया तो अब आपस में क्यों बात करना है? बिल्कुल, तो मतलब क्यों आपस में बात करके सुलटना है? फिर कोर्ट ही डिसाइड करनी थी ना। तो पवन सिंह ने ज्योतिष सिंह को कोर्ट का मैटर खत्म करने के लिए बोला था और बाहर सब चीज हैंडल करने के लिए कहा, जो कि आप सब सुन रहे होंगे ज्योतिष सिंह ने खुद बताया।